सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज मैं आपके लिए लाया हूं बेस्ट चोको चिप कुकी की रेसिपी। रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले बहुत ही जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में घंटी भी बजा दीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। हमारे इंस्टा और फेसबुक के यूज़र नेम यहाँ पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। तो बेस्ट चोको चिप कुकी के लिए आपको चाहिए एक बड़ा बाउल, एक वेइंग स्केल और मेजरिंग कप्स। वेइंग स्केल और मेजरिंग कप इसलिए चाहिए ताकि अगर जैसे आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो वेइंग स्केल, और अगर वेइंग स्केल नहीं है तो मेजरिंग कप्स। मैं दोनों चीज़ों में बताऊंगा, तोल तोल के भी दिखाता रहूँगा आपको कितना कितना वेट है। अब इसको ज़ीरो कर लिया मैंने बाउल रखने के बाद, और पैन के नीचे लगा लिया आग, पैन में बटर मेल्ट करने के लिए। तो बटर को आप मेल्ट करने के बाद ब्राउन भी कर सकते हो। ब्राउन करने से ना बहुत ही प्यारा एक नटी सा फ्लेवर आ जाता है, बट मैं नहीं करूँगा, मैं नॉर्मली बटर मेल्ट करके डाल दूंगा, क्योंकि हमें चाहिए बेस्ट चोको चिप कुकी, नटी वाली नहीं। तो ये बटर मेल्ट हो गया, एक हाफ कप मेजरिंग कप ले लेना, उससे नापेंगे हम। और वेट तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। तो हाफ कप मेल्टेड बटर इज इक्वल टू 122 और 123 ग्राम्स। अब इसमें जाएंगे शुगर। शुगर पहले वाइट शुगर, हाफ कप वाइट शुगर और पौना कप, 3/4 कप ब्राउन शुगर। हाफ कप वाइट शुगर इज इक्वल टू 95 ग्राम्स। मैं कितनी सिंपली बता रहा हूँ, अब मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए कि वेइंग स्केल नहीं है या फिर मेजरिंग कप्स नहीं है। अब ये है 3/4 कप ब्राउन शुगर। तो ब्राउन शुगर 3/4 कप ब्राउन शुगर इज इक्वल टू 142 ग्राम्स। मैंने लाइट ब्राउन शुगर ली है, आप चाहें आप डार्क ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। अब इसको देंगे एक विस्क, उसके बाद आगे का देखते हैं। तो बटर में शुगर अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे एक एग। तो वन एग इज इक्वल टू 52 ग्राम्स, अगर ग्राम में देखना है तो। वैसे तो एग का वेट क्या ही करना। एक टीस्पून वेनिला एसेंस जस्ट एट दिस टाइम। अब हमारा जो बैटर है, वेट इंग्रेडिएंट्स सारे चले गए। अब इसमें जाएंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सिर्फ तीन हैं, दैट इज हमारा बेकिंग सोडा, फ्लावर एंड सॉल्ट। फ्लावर जाएगा 1 और 1/4 कप एक्स्ट्रा, मतलब लगभग सवा कप, एक और एक सवा कप। ये बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून था और सॉल्ट 1 पिंच। वन कप एंड 1/4 कप एक्स्ट्रा फ्लावर इज इक्वल टू 62 ग्राम्स। उसके अंदर 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। ये हमने सीव करके इसलिए डालना है ताकि सीव करने से एक तो लम्स हट जाते हैं, और सीव करने से ना वो एक नेचुरल एरिएशन आ जाती है फ्लावर में। तो ये हमारा बैटर टाइप, डो टाइप बन गया है चॉकलेट चिप कुकीज़ का, बेस्ट वाली। अब चॉकलेट चिप कुकीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ चॉकलेट। हम चिप्स नहीं डालेंगे, हम चॉकलेट को चॉप करके डालेंगे, क्योंकि चॉकलेट को चॉप करने से ना वो एक बहुत ही प्यारा सा मार्बल इफेक्ट आ जाता है। मैंने कॉम्बिनेशन लिया है दो चॉकलेट्स का, एक वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। आप चाहें डार्क ले सकते हैं टोटली, आप चाहें डार्क एंड मिल्क ले सकते हैं,
मैंने वाइट और डार्क लिया है, ये लगभग 250 ग्राम के करीब चॉकलेट है, चॉप करके मैं इसमें डाल देता हूँ। तो ये चॉकलेट मिक्स हो गई है, अभी हमारा बटर फर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा करेंगे इसको, फ्रीजर में डालेंगे लगभग 15 मिनट के लिए, उसके बाद इसको करेंगे बेक। तो ये अच्छी तरह सेट हो चुका है हमारा कुकी का डो, अब इसके बॉल्स बना के, वैसे आप स्कूप आउट भी कर सकते हैं, मेरे पास स्कूपर है नहीं तो मैं हल्के हल्के बॉल्स बना के इनको बेक करूँगा। तो हमने ये कुकी के डो की बॉल्स बना दिए हैं, अब टेंशन मत लो जब आप बेक करोगे ये अपने आप स्प्रेड हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर का जो बटर है वो मेल्ट होगा और वो स्प्रेड होगा। अब हम इसको करेंगे बेक 180 डिग्रीज 12 टू 15 मिनट्स। तो हमने कुकीज बेक करने रख दिए हैं, अब जो मेन चीज, दो चीजें आपने ध्यान रखनी है, ध्यान तो क्या ही रखनी है, एक चीज ध्यान रखनी है, दूसरी आपके लिए इन्फॉर्मेशन ध्यान जो रखनी है वो है, जो बॉल्स आप बना रहे हैं कुकी डो की वो थोड़े डिस्टेंस पे रखें, वरना वो बेक होंगे, मेल्ट होंगे, स्प्रेड होंगे और चिपक जाएंगे अगर आप पास पास रखेंगे तो। सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, आपका काम कम करने के लिए, आप डो एक बार ही बनाइए, उसके बाद इनके बॉल्स बना के ना डीप फ्रीजर में रख दीजिए, लगभग 2 महीने इनको कुछ नहीं होगा, उसके बाद जब आपका जी करे बाहर निकालिए, बेक कीजिए एंड खाइए। 15 मिनट में होममेड बेस्ट वाले चॉको चिप कुकीज तैयार है। तो वो हमारे कुकीज डन है, अब आपने ट्रे से निकालने के बाद, मतलब अवन से निकालने के बाद ट्रे से कुकीज उतारने नहीं है, उनको लगभग 10 मिनट ट्रे पे पड़े रहने दें, एक स्ट्रक्चर होल्ड करने दें, उसके बाद ट्रे से उतारें। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, तो बेस्ट चॉको चिप कुकी घर पे तैयार हैं, रेसिपी आपको दे दी है, वेइंग स्केल पे भी तोल के बता दिया है और मेजरिंग कप से भी, सब चीज़ें आपके पास और बहुत ही आसान तरीके से बताया, अब मुझे बहाना नहीं चाहिए। रेसिपी करो ट्राई, वीडियो फेसबुक पेज पे, और फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।